हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का है। बीएससी मैथ में हमारा सेमेस्टर वन चल रहा था, उसमें आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि ये है आपका परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि पोल। फिर इसके बाद में हम आपको कराएंगे पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन अपने आप में बहुत बड़ी जो टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इससे आपका पेपर में एक सवाल डेफिनेटली 100% आपका आएगा। अभी कुछ दिन बाद पेपर है आपके, पता चल जाएगा इस पीडल इक्वेशन पर बेस्ड एक सवाल आएगा, ठीक है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो पीडल इक्वेशन को समझने से पहले यहां पर सीखेंगे पहले परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन टेंजेंट। ये परपेंडिकुलर होता क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ होती कौन सी है, पहले वो समझिएगा। जैसे कि हमने लिख दिया लेट पी एनी पॉइंट ऑन ए गिवन कर्व आर बराबर एफ थीटा। कर्व का मतलब क्या है, जैसे आपको कोई भी दे रखा है कि आपका आर इज इक्वल टू आपका दे रखा है ए साइन थीटा, या आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, इस तरह से। तो ये कर्व है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये आपका कोई एक कर्व है, इस तरीके का ये कोई कर्व है जो आर बराबर एफ थीटा यानी इस रूप का कोई भी कर्व होगा, ठीक है। इस पर P एक पॉइंट है, ये वाला जो P है ये एक पॉइंट है, और इस बिंदु O ये ओरिजिन बोल सकते हो। लेकिन जब हम ऐसे X और Y जो कार्टेशियन फॉर्म होती है उसमें हम इसको मूल बिंदु बोलते हैं ओरिजिन, और उसी मूल बिंदु को यदि हम पोलर फॉर्म में आ जाते हैं यानी कि ऐसे थीटा वाले रूप में आ जाते हैं तो इसी को हम इसका ध्रुव बोलते हैं। मूल बिंदु को फिर ध्रुव का नाम देते हैं जिसको पोल बोलते हैं, पोल। तो ये पोल है यानी मूल बिंदु। मूल बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी आर है, यहां से ये जो थीटा बना हुआ कोण ये थीटा है। तो इसकी जो पोजीशन को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, आर इंटू थीटा, आर कॉमा थीटा, ठीक है, ओके। अब हम इस बिंदु से हमने क्या करा, ये कर्व को टच करते हुए एक रेखा खींची जिसको हम टेंजेंट बोलेंगे। ये क्या है आपका टेंजेंट, ये वाली जो रेखा है टेंजेंट, पी टी ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट पर इस ध्रुव से एक परपेंडिकुलर हमने खींच दिया यानी परपेंडिकुलर एक लंब डाल दिया इस वाले टेंजेंट पर, तो इसकी जो लेंथ होती है हम उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन, या परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। तो ये वाली लेंथ ओ से टी तक की जो दूरी है इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर लेंथ। समझ में आ गई बात, क्लियर है। आप एक बार यहां से समझ लीजिएगा, जैसे कि ये कोई कर्व है और इस कर्व का जैसे ये आपका कोई एक्स पॉइंट हमने मान लिया, ये ध्रुव मान लिया हो, और यहां तक की इस कर्व पर हमने कोई भी एक बिंदु ले लिया, ये वाला बिंदु ले लिया हमने, यहां तक की दूरी हो गई ये, ठीक है। और इस कर्व का कोई भी एक टेंजेंट हमने इस तरीके से, टेंजेंट यानी इस कर्व को टच करते हुए एक रेखा हमने इस तरीके से खींच दी, ये टेंजेंट हो गया। इस टेंजेंट पर ये वाले यहां से इस पोल से एक परपेंडिकुलर खींच दिया 90 डिग्री कोण बनाते हुए, तो इसकी जो लेंथ होगी ये आपकी परपेंडिकुलर लेंथ कहलाती है, ये आपकी परपेंडिकुलर लेंथ कहलाती है। अब इस पर इसका जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर लेंथ का, वो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की घात 4 डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात, बस इतना है। ये कैसे आया इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस पर हम फिर किसी दिन बता देंगे। फिलहाल सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, ये चीज नहीं आती है प्रूव करने के लिए, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ या परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन या फ्रॉम द पोल ऑन टेंजेंट टू द कर्व। तो ये आपकी परिभाषा लिखना चाहो तो ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द पी इज द लेंथ फ्रॉम द पोल ओ ऑफ द परपेंडिकुलर ओटी, यानी इस ओटी पर इस ये जो OT जो लेंथ है ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ कहलाती है। ऑन द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लंब की लंबाई आपने देखी होगी, दिए गए लंब की लंबाई निकालो, आपने हिंदी में पढ़ा होगा वही चीज है लंब की लंबाई, ठीक है। किसी वक्र पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो, इस तरीके से आता था क्वेश्चन इंटर क्लास में, वही चीज है। अब क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं तब आपको सारी चीजें फिगर आउट हो जाएंगी किस तरीके से। फाइंड द लेंथ
ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल। देखिएगा क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट, ऑन द टेंजेंट टू द कर्व आर की पावर एन ए की पावर एन कॉस एन थीटा। ये है आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, क्या है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये चीज आपको फाइंड करनी है, यानी स्मॉल पी आपको फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। देखिएगा इस टाइप के सवालों में जैसे कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस टाइप के सवाल आएंगे तो उनमें देखिएगा ये वाला मेन फॉर्मूला, ये तो मेन फॉर्मूला है ही, ये वाला आपका मेन फॉर्मूला है ही, इसके साथ में आपको देखिएगा ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना, पी बराबर आर साइन फाई। अब फाई कहां से लेकर आओगे, फाई क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था टेन फाई बराबर क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकालना सिखाया था, फाई वही चीज है। तो टेन फाई बराबर आर डी थीटा बटे डी आर ये होता है, और कॉट फाई बराबर वन अपॉन आर डी आर बटे डी थीटा ये होता है। दो फॉर्मूले ये हैं, इनसे यूज करके हम फाई की वैल्यू निकालेंगे और यहां पे लगा देंगे तो पूरा आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले लेंथ ही हो जाएगा सवाल। या फिर कोई समीकरण या कोई कर्व U के रूप में दे रखा है, U बराबर आपको दे रखा है, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस डी यू बटे डी थीटा निकाल सकते हो। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए, मोस्टली ये वाला फॉर्मूला ज्यादा लगता है, फिर उसके बाद में ये बहुत कम लगता है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, और उससे पहले आपको ये चीज जरूर याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको ये चीज याद होनी चाहिए। तो ये अभी यूज करके बताता हूँ इस वाले सवाल में, ठीक है। चलिए तो इसका कर्व अवकलन कैसे करेंगे, हमारे पास में दो तरीके हैं, या फिर डायरेक्टली अवकलन कर देने, कोई दिक्कत नहीं। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, देखिएगा n into r की पावर n माइनस वन, ठीक है, डी आर बटे डी थीटा, इस r का थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी आर बटे डी थीटा तो लगा नहीं है, इधर ए की पावर एन जो का तो रहेगा इंटू। अब देखिएगा ध्यान से कि यदि ये कॉस थीटा होता तो कॉस थीटा का डायरेक्टली क्या हो जाता, माइनस का साइन थीटा हो जाता, थीटा की जगह पर आपका एन थीटा है, थीटा की जगह पर एन थीटा दे रखा है, तो इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में एन थीटा का करेंगे तो एन आ जाएगा, केवल एन आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आपको दिखाई देगा कि इस एन से ये वाला एन कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये आपका बचेगा आर की पावर एन माइनस वन डी आर बटे डी थीटा बराबर, ये माइनस में भाग लेंगे, माइनस ए की पावर एन साइन एन थीटा, ये आपका बचेगा। ओके, हमको क्या चाहिए था, डी आर बटे डी थीटा चाहिए था, तो यहां से हम चाहें तो हम इसको कैसा कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से कैसे देखेंगे हम, कि इसको मैं लिख सकता हूं आर की पावर एन इंटू आर की पावर माइनस वन, क्योंकि ये है इंटू डी आर बटे डी थीटा बराबर माइनस ए एन साइन एन थीटा आ जाएगा। अब हम इसको नीचे इसको लिख सकते हैं आर की पावर एन बटे आर इंटू डी आर बटे डी थीटा बराबर माइनस ए की पावर एन साइन एन थीटा आ गया, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज देखोगे तो आपको एक चीज यहां पर नोटिस हो रही होगी, यदि r की पावर n को मैं इधर ले जाऊं तो यहां पे 1 अपॉन r बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वही काम करेंगे, तो यहां पे हमारा क्या बचेगा, वो यहां पे लिख देंगे 1 अपॉन r dr बटे d थीटा इक्वल टू माइनस a की पावर n sin n थीटा अपॉन r की पावर n, मैं इस r की पावर n को इसके बट्टे में ले आया। अब चाहूं तो मैं यहां पर r की पावर n की वैल्यू लिख सकता हूं, लिख दीजिए, वही काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पर आगे बढ़ा ले रहा हूं इसी को, a की पावर n sin n थीटा अपॉन r की पावर n की यदि मैं वैल्यू रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर n cos n थीटा ये हो जाएगा।
आप देखोगे तो यहां से ए की पावर एन से ए की पावर एन कट जाएगा, माइनस साइन बट्टे कॉस को क्या बोलते हो आप, टेन एन थीटा, ये आ जाएगा। तो देखिए करते हैं हम इसको, ये हो जाएगा वन अपॉन आर डी आर बट्टे डी थीटा इक्वल टू माइनस का टेन एन थीटा। आप एक फॉर्मूला आप भली भांति जानते होंगे, कॉट 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का टेन थीटा, ठीक। तो माइनस टेन थीटा की जगह पर हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पर ये, तो हम इसको बदल देंगे वन अपॉन आर डी आर बट्टे डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 90 यानी कि पाई बट्टे दो प्लस थीटा की जगह पर कितना है एन थीटा, थीटा की जगह पर ये है ना एन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से हमें फॉर्मूला याद हो तो फाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई कॉट फाई बराबर होता है वन अपॉन आर डी थीटा बट्टे टी आर, ये फॉर्मूला है पुराने वाला, इससे पहले वाली वीडियो देखोगे पता है, ठीक है। तो कॉट फाई इक्वल टू ये, और ये वाली वैल्यू कितनी है इसको समीकरण एक से, इतने की वैल्यू कितनी है, इतनी है कॉट पाई बट्टे दो प्लस एन थीटा, ये है, इससे ये कट जाएगा तो फाई इक्वल टू पाई बट्टे दो प्लस एन थीटा आ गया। अब हमको क्या चाहिए, लेंथ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहां पे लिख देंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी इक्वल टू होता है आर साइन फाई, आर साइन फाई, तो आर साइन फाई की जगह पे कितना है पाई बट्टे दो प्लस एन थीटा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो आर कॉस एन थीटा हो जाएगा, और कॉस एन थीटा की यदि यहां से वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, देखिएगा कॉस एन थीटा बराबर हो जाएगा आर की पावर एन बट्टे ए की पावर एन, तो यहां पे क्या हो जाएगा आर की पावर, यहां से इधर कर दे रहा हूं ये वाला, R इंटू आर की पावर n बट्टे ए की पावर n, ये हो जाएगा। तो ये वाला जो चीज को हम कितना लिख सकते हैं, R की पावर n प्लस वन बट्टे ए की पावर n, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसा क्यों आया समझ गए होंगे, R की पावर n और यहाँ पर R की पावर वन, तो R की पावर वन प्लस n, यहाँ पर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n, ये बचा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के सवाल आते हैं, इसको कर लीजिएगा सवाल को, आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ये यहां से इसमें भी आपका क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए, कर्व ये है आपका आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, आपको क्या चाहिए डी आर बट्टे डी थीटा निकालेंगे हम, ए जो कहते हैं वन का अवकलन जीरो हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, फिर ब्रैकेट इस तरीके से आप लगा दोगे, तो डी आर बट्टे डी थीटा की यदि हम बात करें तो माइनस का ए साइन थीटा आ जाएगा, जीरो खत्म, ए की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए साइन थीटा, डी आर बट्टे डी थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला टेन फाई इक्वल टू क्या होता है आर डी आर सॉरी डी थीटा बट्टे डी आर, ये होता है, या यहां पे सॉरी ये डी आर बट्टे डी थीटा है, यहां पे कॉट थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कॉट फाई इक्वल टू वन अपॉन आर डी थीटा डी आर बट्टे डी थीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम कॉट फाई इक्वल टू वन अपॉन आर की वैल्यू कितनी है ए वन प्लस कॉस थीटा इंटू, और डी आर बट्टे डी थीटा की वैल्यू ये है माइनस ए साइन थीटा, ये वाला। देखिए हम टेन फाई और कॉट फाई कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके आधार पर, हमको फाई निकालना है, फाई निकालना इससे पहली वाली वीडियो में मैंने खूब बताया, इसलिए मैं अब ज्यादा इस वाली वीडियो में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ये कॉट फाई इक्वल टू माइनस ए, ए से ए कट जाएगा तो सीधे सीधे माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। अब देखिएगा ये माइनस, ये फॉर्मूला खुल जाएगा टू साइन थीटा बट्टे टू इंटू कॉस थीटा बट्टे टू, ये
साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बटे टू, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये नहीं पता तो ये याद कर लीजिएगा, वन प्लस कॉस थीटा का ये, साइन थीटा का ये, दो से दो कट जाएगा, कॉस थीटा बटे टू से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा बटे टू अपॉन कॉस थीटा बटे टू बचेगा, साइन बटे कॉस को माइनस टेन थीटा बटे टू बोलेंगे हम, इधर आपका कॉट थीटा बटे टू है, वही कंडीशन बन गई, माइनस टेन थीटा आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा की जगह पर हम कॉट नब्बे प्लस थीटा लिख सकते हैं, तो हम कॉट ये फाइव चल रहा था, कॉट फाइव बराबर कॉट नब्बे प्लस थीटा, यानी थीटा बटे टू ये हो जाएगा, कॉट से कॉट कट जाएगा, फाइव इज इक्वल टू पाई बटे टू प्लस थीटा की जगह पर पाई बटे टू आ जाएगा, ये आ गया। हमको ये नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी, तो पी बराबर फॉर्मूला होता है आर साइन फाइ, तो पी बराबर आर, आर की वैल्यू लिखना चाहो लिख दीजिएगा, क्या है ए वन प्लस कॉस थीटा, या फिर आप ऐसे समझिए आर लिखा रहने दीजिए, साइन फाइ की जगह पे आप लिख दोगे पाई बट्टे दो प्लस थीटा बट्टे टू, साइन नब्बे प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो पी बराबर आर कॉस थीटा की जगह पर थीटा बट्टे टू, यही आपका उत्तर आ जाएगा, यही आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजन, या लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर लेंथ, बात वही है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट, टू टेंजेंट कर्व। ठीक है, ये आपका डाले गए, यानी कि किसी कर्व की स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, क्या होता है, स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई वो इतनी है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, चलिए कर लीजिए, इंग्लिश में मत जाना, ठीक है, चलिए वैसे आपका काम चला हुआ है, चल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक पीडल इक्वेशन आपको समझाता हूँ, पीडल इक्वेशन क्या होती है, और पीडल इक्वेशन से ही ज्यादा सवाल आते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ यहीं से, और इसी से आगे देखिएगा, पहले मैंने आपको फाई निकालना सिखाया था इससे पहली वाली वीडियो में, फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद में ये आया, और इसी से अगला पद, इसी से आगे वाला जो एक कदम आगे उसको बोलेंगे पीडल इक्वेशन, एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, है ना, चलिए कर दीजिए, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन अब तक जो किया है वही है पीडल इक्वेशन, उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या आपने क्या करा, पीडल इक्वेशन क्या है, अभी अभी आपने सीखा था, जैसे कोई भी आर बराबर कुछ दे रखा है, जैसे कि कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व का ये कोई बिंदु P है, यहां पर ये आपका X है, ये बिंदु O है ओरिजिन या पोल, और यहां से मैंने इस पर क्या कर दिया, एक ऐसे करके ड्रॉ कर दी लाइन, यहां से यहां तक की दूरी R और ये थीटा है, इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, या ये तो पोलर फॉर्म का रूप हो गया कि R बराबर आपका F थीटा के रूप में दे रखा है, तो ये पोलर फॉर्म हो गई। यदि x और y, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये आपका ओरिजिन है, यहां पर जो बिंदु x कॉमा y, ये कार्टेशियन रूप हो गया। ठीक है, कार्टेशियन r बराबर, ओके। अब ये जो p, भाई चाहे तो कोई सा भी कर्व हो किसी भी रूप में दे रखा है, लेकिन इससे जो लेंथ खींचेंगे और यहां से जो लंब डालेंगे, यानी कि मूल बिंदु से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। तो पी क्या होती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द ओरिजिन टू द कर्व, यानी कि वक्र पर डाले गए, वक्र की स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई को पी से प्रदर्शित करते हैं। वक्र कि स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि ये कोई कर्व है, कर्व का ये एक, इसकी ये कर्व हो गया, इसका ये स्पर्श रेखा हो गई,
तो स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई इसको बोलते हैं P, ठीक है। और ये R क्या है? रेडियस वेक्टर, यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको हम R बोलेंगे। तो इस R और P में संबंध बताने वाली इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन क्या है? द रिलेशन बिटवीन P एंड R इज कॉल्ड पीडल इक्वेशन। तो पीडल इक्वेशन अपने आप में क्या है? R और P में संबंध बताने वाली समीकरण को हम क्या बोलते हैं? पीडल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। R यहां पर रेडियस वेक्टर होती है और P क्या होती है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बाकी आप समझ गए ना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कौन सी है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन टू टेंजेंट टू द कर्व, टू टेंजेंट टू द कर्व, किसी कर्व की या वक्र की टेंजेंट पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई होती है पी। रेडियस वेक्टर आप जानते ही हो, ठीक है। इन दोनों में जो संबंध बताएगा, अब इसके कुछ फॉर्मूले वही है, बात तो वही है ना। अभी अभी हमने एक उत्तर निकाले थे पी, जैसे कि पी बराबर क्या आया था? पी बराबर आपका आया था आर साइन पाई बटे टू, इस तरीके से आया था, या साइन थीटा आया था, थीटा बटे टू। बस यहां पर थीटा बटे टू नहीं आना चाहिए, बस पी और आर आना चाहिए, पी और आर। तो उसी को बोलेंगे हम क्या? पीडल इक्वेशन बन जाएगी। ये उत्तर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन जहां पर ये साइन थीटा ना आए तो यही आपका पीडल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज है, बाकी कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो इसी का वही पुराने वाले फॉर्मूले हैं। पी बराबर क्या होता है? आर साइन फाई। फाई निकालने के लिए आप कॉट का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, या इसका इस्तेमाल कर सकते हो टेन फाई, ठीक है। पीडल इक्वेशन है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का यही फॉर्मूला है, इसका भी यूज करके आप निकाल सकते हो। कार्टेशियन फॉर्म के लिए x dy upon dx minus y under root 1 plus dy upon dx का whole square, जहां पर r बराबर क्या है? r square बराबर x square plus y square। बस ये कार्टेशियन फॉर्म के लिए है। कार्टेशियन फॉर्म यानी कि x और y में दे रखे समीकरण, यदि sin theta cos theta में दे रखे है तो पोलर फॉर्म बोलते हैं उसे। अब आपका देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी अब जब मैं सवाल निकालूंगा। सवाल से सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। क्वेश्चन आ गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, रोहिल यूनिवर्सिटी में, मेरठ यूनिवर्सिटी में, आगरा यूनिवर्सिटी में। फाइंड द पीडल इक्वेशन फॉर द कर्व, इतने कर्व के लिए पीडल इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें पी और आपके आर बस यही दोनों आने चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आर बराबर आपको दे रखा है ए वन माइनस कॉस थीटा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम अवकलन करेंगे तो डी आर बटे डी थीटा, ठीक है। तो ए वन का अवकलन जीरो हो जाएगा माइनस, और ये साइन थीटा कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो टोटल मिला के डी आर बटे डी थीटा की यदि हम बात करें तो ए साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? माइनस पहले से था, कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन थीटा, एक ही मल्टीप्लाई करेंगे जीरो तो खत्म, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब हम जानते हैं वी नो दैट, हम ये वाला कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? यहां पर देखिएगा डी आर बटे डी थीटा दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉट फाई बराबर वन अपॉन आर डी आर बटे डी थीटा, ये फॉर्मूला होता है, बताया था ना फाई निकालने के लिए, क्योंकि हम पी बराबर आर साइन फाई इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। पी क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, आर क्या है? रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो हम यहां का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमको फाई निकालना है, तो वन अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी है? ए वन माइनस कॉस थीटा ये हो गया, इंटू डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू कितनी है? ए साइन थीटा, ठीक है। वही पुराने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या? ये बचेगा आपका कॉट फाई, कॉट फाई इक्वल टू बचेगा साइन थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टू साइन थीटा बटे टू और कॉस थीटा बटे टू, ये साइन थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने। और वन प्लस कॉस थीटा होता है टू साइन कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन थीटा क्या होता है? वन माइनस कॉस थीटा, देखिए
वन प्लस कॉस थीटा बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बटे टू, वन माइनस कॉस थीटा बराबर होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बटे टू। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे टू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दिखाई देगा साइन थीटा बटे टू से स्क्वायर की घात टूट जाएगी और यहाँ पर टू भी आता है, टू भी आता है, और इस दो से ये दो कट जाएगा, ये दो से दो कट जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कॉट फाइव, कॉट फाइव बराबर यहाँ पर ऊपर बचेगा कॉस थीटा बटे टू, नीचे बचेगा आपका साइन थीटा बटे टू। कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन आपका हो जाएगा कॉट, तो कॉट थीटा बटे टू आ जाएगा। कॉस बटे साइन को हम क्या बोलते हैं, कॉस बटे साइन को हम कॉट बोलते हैं। कॉट से कॉट कट जाएगा तो फाइव बराबर आ जाएगा थीटा बटे टू, ये आ गया। हमको क्या करना था, हमको तो कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल करें, P बराबर साइन फाइव आर साइन फाइव, ये फॉर्मूला होता है P बराबर आर साइन फाइव की जगह पर कितना है थीटा बटे टू, ये आ जाएगा साइन थीटा बटे टू। अब ध्यान से समझिए, यदि ये कहता कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकलवाता, केवल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकलवाता तो हम यहीं पर छोड़ देते, ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेकिन हमको तो पीडल इक्वेशन चाहिए और पीडल इक्वेशन ये कहती है कि आर और पी में संबंध बताने वाली समीकरण को हम बोलते हैं, तो यहाँ पर साइन ये नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा बटे टू की वैल्यू रखेंगे। साइन थीटा बटे टू की वैल्यू कहां से रख सकते हैं, हम यहां से रख देंगे। यहां से कैसे रख देंगे ये भी सीखिए, ये देखिएगा, यहां से हम ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली सोच के देखो, आप यहाँ पर साइड में कर देना इसको सॉल्व, कि ये r बराबर a वन प्लस cos थीटा है ना, वन माइनस cos थीटा है, तो r बराबर a वन माइनस cos थीटा को मैंने क्या बताया था, टू साइन स्क्वायर थीटा बटे टू, यही बताया था है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बटे टू की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सोच के देखो क्या हो जाएगा, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 2a नीचे r बटे 2a आ जाएगा, r बटे 2a आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहां का क्या करेंगे, हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, पहले हम क्या कर दें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमने क्या करा दोनों पक्षों का स्क्वेयर कर दिया। दोनों पक्षों का स्क्वेयर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू है आर बटे टू ए, तो हम यहां पर हम यही चीज इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वेयर बराबर आर स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा बटे टू हो जाएगा। अब साइन स्क्वेयर थीटा बटे टू की वैल्यू यहां से रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वेयर बराबर आर स्क्वेयर इंटू, ये वैल्यू कितनी है आर बटे टू ए हो जाएगी, आर बटे टू ए हो जाएगी, टू ए की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा टू ए पी स्क्वेयर बराबर आर इंटू आर, आर की घात तीन हो जाएगा। तो यही चीज आपकी आ गई। अब देखिए इसमें 2a ये तो कांस्टेंट है, p स्क्वायर r क्यूब ये चीज आ गई, तो यही तो आपकी पीडल इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड पीडल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड पीडल इक्वेशन, यही आपकी पीडल इक्वेशन है। तो पीडल इक्वेशन को करने के लिए आपको बस इस चीज का इस्तेमाल करना पड़ा, आपको एक्स्ट्रा इस चीज का इस्तेमाल करना पड़ा। तो आप कहेंगे कैसे, इसको आप साइड में कर सकते हो, इसमें आप ऐसा करिएगा, इसको आप समीकरण यहां पर आपका समीकरण एक मान लो, या फिर ऐसा करिए इसको समीकरण एक मान लो, ठीक है। और ये यहां पर करने के बाद में आप क्या करोगे, आपने ये चीज कर ली, यहां तक कर लिया, यहां के बाद में ये लिख दीजिएगा समीकरण एक से, यहां पे आप साइड में यहां पे कर सकते हो समीकरण एक से, समीकरण एक को आपने सॉल्व किया, ये आपका ये किसी से सॉल्व हुआ है फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन की सहायता से हमने साइन स्क्वायर थीटा बटे टू की वैल्यू निकाली और यहां तक रख दी, ठीक है। तो ये चीज है, समझ में आया नहीं आया, इस तरीके से करना, ये चीज आप साइड में कर लीजिएगा कहीं पर भी, ठीक है। जब आप सवाल करते रहोगे तो आपको साइड में पता चल जाएगा, कहीं पर भी कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टली प्रूव करवा देता है कि ये क्वेश्चन दे रखा है फोर द कर्व, प्रूव दैट फोर द कर्व टू ए पी स्क्वायर बराबर आर क्यूब, मतलब वही है, समझ में आ गई होगी आपको। चलिए एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, तब आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है।
एक क्वेश्चन है लखनऊ यूनिवर्सिटी, PRSU यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, सभी में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही शानदार। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द पैराबोला प्रूव दैट, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है फॉर द पैराबोला टू ए अपॉन आर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, प्रूव दैट फर्स्ट में आपको प्रूव करना है फाई इजिकल टू पाई माइनस थीटा बटे टू। सेकंड आपको प्रूव करना है पी बराबर ए कोसेक थीटा बटे टू। और तीसरे में आपको प्रूव करना है पी स्क्वेयर बराबर ए आर। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न, फॉर द पैराबोला प्रूव दैट, पैराबोला ये है, इसके लिए आपको प्रूव करना है फाई। फाई आपको पता है कैसे निकालते हैं, पी आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको पता है, और स्पीडल इक्वेशन, ये स्पीडल इक्वेशन है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आपका अब तक आपने पहले एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सीखा था, फिर उसके बाद में आपने सीखा था दूसरे नंबर पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सीखी थी कैसे निकालते हैं, उसके बाद में आपने पीडल इक्वेशन। तो अब की बार तीनों चीज आपसे निकलवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वही काम करेंगे जो अब तक करते आए हैं, बहुत ही प्यार से धीरे धीरे करके हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां से लिखना चालू कर रहा हूं मैं आपको। सवाल में क्या दे रखा है, 2a अपॉन r बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। आप जानते होंगे 1 अपॉन x का यदि हम अवकलन करते हैं तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वेयर होता है। क्या होता है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वेयर होता है। तो वही काम हम यहां पर करेंगे, देखिए इसका अवकलन करेंगे तो 2a अपने आप में x का माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा, और साथ में dr बटे डी थीटा आ जाएगा, क्योंकि मैं इस आर का डी थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये माइनस का 1 अपॉन टी आ जाएगा, बराबर 1 का 0 हो जाएगा माइनस, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो माइनस 2a अपॉन आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आपको करना क्या है, करना कुछ खास नहीं है आपको, ये देखिएगा हमको यहाँ पे फाई का इस्तेमाल करना था, कोई दिक्कत नहीं उसका करेंगे हम। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर को इधर ले जाएं, डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे यहां से, तो क्या हो जाएगी, डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आर स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन माइनस का 2a। इसको समीकरण एक इसको मान लो, ये समीकरण दो मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसको समीकरण मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको कोई भी समीकरण मानने की जरूरत नहीं है, ओके। अब आपके पास में, हमारे पास में क्या, डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्टली हम यहां पर क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। आप चाहें तो यहां से भी हम आर की वैल्यू या आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या, हमको आर की इस्तेमाल करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 2a देखिए, समीकरण एक से हम यदि 2a की वैल्यू रख देंगे तो इजी हो जाएगी चीजें। देखिएगा ये r पहुंच जाएगा उधर, तो r से r कट जाएगा, r बचेगा आपका। और देखिए ध्यान से कि हमारे पास में ऐसा है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, यहीं पर हम यहीं पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से कि ये देखिए 2a अपॉन r है, यहां पर भी इसी तरीके की कंडीशन बन रही है। कैसी बन रही है, माइनस 2a अपॉन r इंटू 1 अपॉन r डी आर बटे डी थीटा बराबर साइन थीटा। लो सारी दिक्कतें दूर हो गई, 2a अपॉन r इंटू 1 अपॉन r डी आर बटे डी थीटा, ये r स्क्वायर था तो इसको r इंटू r करके तोड़ दिया। अब आपको पता है
ये वाली वैल्यू कॉट थीटा की होती है, हमको ये वाली वैल्यू आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो यहां से आप देखिएगा, ये 2a अपॉन r समीकरण है फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन का हम यूज करेंगे 2a, ये माइनस 2a अपॉन r, 2a अपॉन r की वैल्यू कितनी है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इनटू 1 अपॉन r डी आर बट्टे डी थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अभी आपको पता है कि कॉट फाई, कॉट फाई बराबर 1 अपॉन r डी आर बट्टे डी थीटा ये वैल्यू होती है, तो इस वाली की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं, ये तो ये वाली वैल्यू मैं ये चीज लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, या फिर आप ऐसा करिए 1 अपॉन r डी आर बट्टे डी थीटा की वैल्यू ये देखिएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा आप लिख सकते हो इसको, और इस वाले माइनस को आप यहां की बजाय इधर लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए, नीचे की बजाय ऊपर लगा दीजिएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉट फाई बराबर 1 अपॉन आर डी आर बटे डी थीटा होता है, कॉट फाई बराबर ये वाली वैल्यू है माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट फाई बराबर माइनस साइन थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, 1 माइनस साइन थीटा की जगह पर 2 साइन स्क्वेयर थीटा बटे 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन थीटा बटे 2 से स्क्वेयर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कॉट फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉट इक्वल टू है माइनस कॉस थीटा बटे 2 और साइन थीटा बटे 2 ही आ जाएगा, कॉट फाई इक्वल टू माइनस का कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट फाई बटे 2 ही आ जाएगा, कॉट फाई बटे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां के बाद में एक फॉर्मूला होता है, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा की जगह पर ये लिख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉट फाई इक्वल टू कॉट 180 माइनस थीटा, 180 को पाई बोलते हैं, माइनस थीटा की जगह पर कितना है पाई बटे 2, ये चीज आ जाएगी आपकी, तो कुल मिलाकर कॉट से कॉट कट जाएगा, तो फाई इक्वल टू पाई माइनस थीटा बटे 2 आ जाएगा, ये फाई निकल आया, तो पहली चीज तो प्रूव्ड हो चुकी है, पहला पार्ट आपका प्रूव हो चुका है, ये वाला फाई इक्वल टू कितना आ गया पाई माइनस थीटा बटे 2, ये चीज आ गई, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, यहां तक याद रख लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे करेंगे, ठीक है। अब बस इस चीज को याद रखिएगा, तो पहली हमने समीकरण किसको माना था, 2a अपॉन r बराबर 1 माइनस cos थीटा, इसको समीकरण एक माना था। अब दूसरे पार्ट में हम चलेंगे, अब हमको पता चल गया कि भाई पहली चीज हमको ये निकल चुकी है, अब दूसरा पार्ट लेंगे, p बराबर r sin phi, ये फॉर्मूला है, p बराबर r की यदि मैं यहां से वैल्यू निकालूं तो r इधर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2a अपॉन 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा इनटू साइन और phi की जगह पे कितना है, phi की जगह पे है पाई माइनस थीटा बटे 2, ये चीज आ जाएगी। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा p इक्वल 2a साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बटे 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को आप कितना लिख सकते हो 2 साइन स्क्वेयर थीटा बटे 2 लिख दोगे, 1 माइनस कॉस थीटा को ये तो हर बार लगाता आ रहा हूं अब मैं, ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, साइन थीटा बटे 2 से स्क्वेयर खत्म हो जाएगा, तो p बराबर a अपॉन साइन थीटा बटे 2 आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन थीटा 2 यानी कि ये p बराबर a इंटू 1 अपॉन साइन
थीटा बटे टू लिख सकता हूं, p बराबर a, और वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कुसैक, ठीक है, कुसैक थीटा बटे टू ये हो जाएगा, कुसैक थीटा बटे टू। तो ये भी प्रूफ हो चुका, दूसरा वाला पार्ट भी आपका प्रूफ हो चुका, दूसरे वाले पार्ट में भी आपको यही चीज प्रूफ करनी थी, ठीक है, p बराबर a, कुसैक थीटा बटे टू, ये चीज हो गई, ठीक है। आया नहीं आया समझ में, सब कुछ आ गया होगा समझ में, साइन फाइव की वैल्यू, आर की वैल्यू समीकरण एक से, समीकरण एक से यदि मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो टू ए अपॉन वन माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, जल्दी से इसको भी कर लीजिएगा। अब यहाँ के बाद में आपका पीडल इक्वेशन निकालने, लेंथ और परपेंडिकुलर भी निकल आया। अब पीडल इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना है, वही चीज इसी से आगे बढ़ेंगे। दूसरा वाला पार्ट कितना प्रूफ किया था अभी हमने, दूसरा वाला पार्ट हमने पी बराबर ए कुसैक थीटा बटे टू हमने प्रूफ किया है ना, यहीं से आगे बढ़ सकते हैं हम, चाहे हमको पी स्क्वायर बराबर ए आर लेकर आना है कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। हम हमारे पास में क्या चीज आई थी, अभी देखिएगा, हम पुरानी वाली चीज लेकर चल रहे हैं, कौन सी वाली, ये वाला पी बराबर क्या था, आर साइन फाइव, ये वाली थी, ठीक है, चलेगा, पी बराबर आर साइन फाइव की जगह पर साइन पाई पाई माइनस थीटा बटे टू, साइन एक सौ अस्सी माइनस थीटा साइन थीटा, आर साइन थीटा बटे टू, इतना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, हमको ये भी पता था कि टू ए अपॉन आर बराबर वन माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, ये चीज होता नहीं है, मतलब ये सवाल सवाल में दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर से आर की वैल्यू यदि निकालेंगे, R की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R की वैल्यू हमने निकाली थी तो R बराबर 2A अपॉन 1 माइनस cos थीटा, ये चीज हो जाएगी, तो P बराबर 2A अपॉन 1 माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे 2, ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से देखेंगे हम, तो हमको एक चीज नजर पड़ेगी यहां पर, क्या है, पी टू ए बराबर 2a अपॉन ये भी 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 इंटू ये है आपका साइन थीटा बटे 2, ये तो पुराने जैसा ही कर दिया हमने, कुछ नया तो करा नहीं, इससे ये कट गया और 2 से ही ये 2 कट गया, तो p बराबर में डायरेक्ट भी लिख सकता था a बटे साइन थीटा बटे 2, ये तुम्हें यही वाली लाइन से लिख सकता था, है ना, वही चीज तो आगे ही, चलिए उस तक नहीं पहुंचेंगे हम, यहीं से हम इसको कट ले करेंगे। देखिएगा ये वाली जो चीज है, ध्यान से समझिए, समीकरण एक, ठीक है, इसको आप ऐसा समझिएगा, इतने लिखने की जरूरत नहीं है तीसरे पार्ट के लिए, तीसरे पार्ट के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा पार्ट आपने प्रूफ कर दिया, तो यहीं से आगे बढ़ लेना, क्या करना, यहीं से आगे बढ़ लेना। यहां से आगे कैसे बढ़ लेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी भाषा में हम बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यहीं से मैं आपको पूरी चीज यहीं से समझा दे रहा हूं। जब आपने भाई दूसरी चीज, दूसरा पार्ट आपने प्रूफ कर लिया कि p बराबर a कुसैक थीटा बटे टू, अभी अभी हमने दूसरा पार्ट प्रूफ किया था, बस इतना काफी है, ठीक है। अब यहां से पहले देखिएगा, यहां से आप ऐसा समझिए कि पहले इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, पहले p बराबर a अपॉन साइन थीटा बटे टू कर लीजिएगा, फिर स्क्वेयर कर दीजिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पी स्क्वेयर चाहिए था ना, तो हमको पी स्क्वेयर के लिए हमने स्क्वेयर कर दिया, तो पी स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा बटे टू, बस काम खत्म। अब देखिएगा, अब ये साइन स्क्वेयर थीटा बटे टू की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, आपको पता ही था, क्या पता था कि देखिए टू ए अपॉन आर बराबर, इसको क्या बोलते हैं, टू साइन स्क्वायर थीटा बटे टू, यही तो होता है, दो से दो कट जाएगा, तो ए अपॉन आर बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे टू, यही चीज आ गई। तो यहां पर लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन वन साइन स्क्वायर थीटा बटे टू बराबर ए अपॉन आर, साइन स्क्वायर थीटा बटे टू बराबर ए अपॉन आर, तो यहां पर रख दीजिए, पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ए अपॉन आर, आर आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर
ए स्क्वेयर इंटू आर अपॉन ए, ए से स्क्वेयर कट जाएगा तो पी स्क्वेयर बराबर ए आर, ये भी चीज प्रूव। कुल मिलाकर बात यह है कि जब पीडल इक्वेशन निकालोगे तो उसमें साइन थीटा जो भी आएगा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, उसको गायब करना है, उसको क्या करना है, गायब करना होता है, ये गायब हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी और बड़े बड़े सवाल लूंगा, चिंता ना करिए, कार्टेशियन फॉर्म भी कल कराएंगे हम, कल ये करा देंगे तो ये पूरी आपका यूनिट खत्म हो जाएगी, टेंजेंट और नॉर्मल, फिर आपका फिर नया स्टार्ट होगा कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं तो उसको करेंगे, वो भी 15 नंबर और 7.5 नंबर का आता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय।